गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास फर्स्ट एक्सरसाइज 3.6। आज हम देखेंगे कि हमें क्या क्वेश्चन मिला है। 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है उसमें। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज ओरली यूजिंग योर फिंगर्स। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हुए हैं, एच तक, ए टू एच। तो इन पार्ट्स में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना हमें। तो इनको जैसे 5 - 1, सब्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है माइनस करना, काटने वाले सम, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो ना काटने वाले सम, ये वही है। इनको इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता है सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्ट है। तो जब भी आप ये वर्ड पढ़ो सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब आपको माइनस वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो आपने ये ध्यान देना है, क्वेश्चन ज़रूर रीड करना है। मैथ के क्वेश्चंस कभी पहले स्टार्ट नहीं करते विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। तो हमेशा मैथ के क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना है, उसमें क्या कहा गया है वही फिर हम आगे उसके पार्ट्स में करते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि माइनस वाले क्वेश्चंस। अब उसने आगे लिखा है ओरली, ओरल का मीन होता है कि बिना लाइंस के। पहले आप फर्स्ट क्लासेस में, इससे पहले वाली क्लासेस जो थी आपकी केजी की क्लास, तो उसमें आप लाइंस डाल के ये वाले सम करते थे, सब्ट्रैक्ट वाले, काटने वाले सम, ओरली उसमें, सॉरी, ओरल में होता है कि बिना आप लाइंस के करोगे। तो UKG में, LKG में आप लाइंस डालते थे और फिर उनको काट के काउंट करते थे। तो यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे ओरल, ओरल मीन्स बिना लाइंस डाले। यूजिंग योर फिंगर्स, तो आपने किस चीज़ की हेल्प लेनी है, फिंगर्स की हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको हैंड के बारे में, हैंड और हैंड पे कितने फिंगर्स होती हैं वो बताती हूँ। जैसे हमारा एक लेफ़्ट और राइट दो हैंड हैं, और एक हैंड पे दोनों राइट और लेफ़्ट के दोनों हैंड्स पे अगर हम काउंट करें कितनी फिंगर्स होती हैं, फर्स्ट हैंड पे होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये वन हैंड में होती हैं। ऐसे ही सिमिलर सेम फिंगर्स हमारे सेकेंड हैंड में भी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे वन हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स होती हैं। ये हमेशा याद रखना आपने कि हमारे वन हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं। और जब हम दोनों हैंड्स को मिला लें, दोनों हैंड्स की फिंगर्स को हमने अगर काउंट करना हो, तो कितनी फिंगर्स हो गई, 5 ये वाली और 5 ये वाली, कितनी हो गई, 10 हो गई। तो हमारे टू हैंड्स में 10 फिंगर्स होती हैं, ये आपने ओरली याद रखना है, ठीक है। तो हम फिंगर्स की हेल्प से आज ये क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप लाइंस डाल के करते थे, वो नहीं करना है। अब आपने इन फिंगर्स की, इन फिंगर्स को यूज़ करना है हैंड की, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका ए, 5 - 1। तो पहले हमने कितनी फिंगर्स काउंट करनी है, 5 करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, ये मेरा हैंड है, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5 फिंगर्स याद रखना आपने, 5 फिंगर्स आपने काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गई, 5 - 1। तो उस 5 में से हमने कितनी बाहर निकालनी है, काटनी कितनी है, 1। एक फिंगर, ये वाली फिंगर मैंने बाहर निकाल दी, इसको फोल्ड कर दिया, इसका मतलब मैंने इसको काट लिया। हमने ये समझ के चलना है, जब हम उसको फोल्ड कर देते हैं फिंगर को, तो हम ये समझेंगे कि हमने ये वाली फिंगर अब बाहर निकाल दी है, अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बाकी की जो बच गई हैं हम उनको काउंट करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो कितनी रह गई वापस, 4 फिंगर्स रह गई। तो 5 - 1 कितना आया हमारा, 4, विद दी हेल्प ऑफ फिंगर्स हमने ये काउंट किया। ऐसे ही बी पार्ट है हमारा 8 - 4, इसका मतलब हमें पहले कितनी फिंगर्स काउंट करनी है, 8 फिंगर्स करते हैं स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5 हो गई। अब मैं दूसरे हैंड की भी काउंट करूँगी, ठीक है, 5 के बाद, 5 के बाद स्टार्ट करनी है दूसरे वाली, 5 के बाद क्या आता है, 6, 7, 8, ये हमें याद रखना है कि हमने कहाँ तक करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन में है हमने उतनी ही काउंट करनी है,
एट है तो हम एट तक, तो हमारा एट यहाँ पर आया, इसको हमने पकड़ के रखना है थंब के साथ कि हमारा ये एट और ये वाली फिंगर को हमने काउंट नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है। तो इस थंब के साथ हमने ये एट को पकड़ के रखा कि हमारी एट फिंगर्स यहाँ तक आई हैं। फिर उसके बाद माइनस कितना है, फोर। माइनस का मतलब काटना है, हमने कितनी फिंगर्स काटनी है, फोर। अब फोर काटनी है तो यहीं से स्टार्ट कर लो आप, जहाँ से आपने पकड़ा है ना लास्ट वाला जो एट आया था, जहाँ से वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। कितनी, फोर, वन टू थ्री और यहाँ पे आ जाएंगे फोर, यानी कि ये वाली फिंगर्स हमने, ये वाली थ्री और ये वाली वन हमने बाहर निकाल दी हैं। अब बाकी की हमारे कितनी बची हैं वो हम काउंट करेंगे। कितनी बची, वन टू थ्री फोर, कितनी बची, फोर। तो एट माइनस फोर कितना हुआ, फोर, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही सी पार्ट है, सी पार्ट में कितना है, सेवन, तो सेवन फिंगर्स काउंट करेंगे। देखो हमने अभी पढ़ा कि हमारे वन हैंड में फाइव फिंगर्स होती हैं, अगर फाइव से ज़्यादा नंबर हो तो ये फाइव काउंट करने के बाद हम दूसरे हैंड की फिंगर्स को भी साथ में काउंट करते हैं, ठीक है। तो सेवन है, सेवन में से हमने टू काटनी है फिंगर्स, काटने का मतलब उनको काउंट नहीं करना है। तो सेवन फिंगर्स को काउंट करेंगे पहले हम, फिर से काउंट करो, वन टू थ्री फोर और ये फाइव फिंगर्स हो गई, फाइव ये वाली हो गई और टू हम यहाँ से ले लेते हैं, सिक्स सेवन, तो ये हमारी टोटल हो गई फिंगर्स कितनी, सेवन। सेवन में से कितना माइनस करना है, टू, तो ये वाली जो टू हैं इन्हीं को हम माइनस कर देते हैं, ये मैंने माइनस कर दी, अब जो बाकी बची उनको काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितनी रह गई पीछे, फाइव। ऐसे ही डी पार्ट है, डी पार्ट में कितना है, सिक्स माइनस टू, तो सिक्स तक काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव और एक मैं दूसरे हैंड में ले रही हूँ, हो गई सिक्स। सिक्स में से कितना माइनस करना है, टू, तो टू फिंगर्स को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बाकी जितनी भी लेफ्ट ओवर फिंगर्स हैं जो बच गई हैं उनको काउंट करना है, वन टू थ्री फोर, ये हो गया हमारा फोर। इसी तरह से आपने ये बाकी के पार्ट भी करने हैं। तो इस वीडियो को आपने बीच में पॉज करना है और पॉज करके इन सभी को फिर से बार बार समझना है, अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके इनके पार्ट्स कॉपी पे उतार लेने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है।